हाँ तो फ्रेंड्स, अपने YouTube चैनल को कैसे डिलीट करें, वो नया हो या पुराना हो, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। हाँ तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं अपने क्रोम पर। क्रोम पर आने के बाद ऊपर की तरफ आपको थ्री डॉट दिख रहा होगा, तो यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से न्यू टैब में सेलेक्ट कर लेना है। न्यू टैब में सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है studio.youtube.com। तो इतना करने के बाद आप नीचे जाइएगा। नीचे जाने के बाद यूट्यूब सेटिंग यूट्यूब का ऑप्शन दे रहा है, तो यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा हमारे सामने, तो यहाँ पे हमको अब अपने लोगो पर क्लिक करना है। लोगो पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, अगर आपका अकाउंट यहाँ पे लॉगिन नहीं रहेगा, तो यहाँ से स्विच अकाउंट में जाएंगे। स्विच अकाउंट में जाने के बाद यहाँ से अपना अकाउंट लॉगिन कर लेना है। इतना करने के बाद दोस्तों फिर हमको ऊपर की तरफ थ्री डॉट दिख रहा होगा, तो वहाँ पे सिंपली हमको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमको यहाँ से नीचे जाना है और यहाँ से हमको डेस्कटॉप साइड पे कर लेना है। हाँ तो गाइस, इतना करने के बाद हमको कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है। फिर यहाँ से आप देखिए साइड की तरफ आपको मिल रहा है सेटिंग का ऑप्शन, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों हमको चैनल में जाना है। चैनल में जाने के बाद यहाँ से एडवांस सेटिंग में जाना है। एडवांस सेटिंग में जाने के बाद फिर हमको नीचे स्क्रॉल करना है। फिर करने के बाद हमको मैनेज यूट्यूब अकाउंट का ऑप्शन दे रहा है और रिमूव यूट्यूब अकाउंट का ऑप्शन दे रहा है। यहाँ से हमको मैनेज यूट्यूब अकाउंट में जाना है। मैनेज यूट्यूब अकाउंट में आने के बाद दोस्तों हमको नीचे स्क्रॉल करना है। करने के बाद दोस्तों हमको नीचे की तरफ व्यू एडवांस सेटिंग का ऑप्शन दे रहा है, तो वहाँ पर हमको सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमको और नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि नीचे की तरफ आपको डिलीट चैनल का ऑप्शन दे रहा है, तो यहाँ पे हमको सिंपली क्लिक कर लेना है। आ जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे जीमेल अकाउंट को लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के लिए ऊपर की तरफ टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ पर अपने जीमेल को लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जीमेल बनाते वक्त जो आप पासवर्ड डाले थे, वही पासवर्ड यहाँ पर डाल देना है। पासवर्ड डालने के बाद दोस्तों कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाता है, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली क्या करना है, नीचे की तरफ जाना है। नीचे की तरफ जाने के बाद यहाँ पे देखिए पहले नंबर पे मिलता है आई वांट टू हाइड माय चैनल, और दूसरे नंबर पे आई वांट टू परमानेंटली डिलीट माय कंटेंट। तो यहाँ पर दूसरे नंबर पर जो है इसी को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों हाँ, तो दोस्तों जो भी परमिशन मांगता है उसको हमको अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद दोस्तों एक बार फिर से वही जीमेल डालना है जिसको हमको डिलीट करना है, तो हम फटाफट चलिए डाल देते हैं। तो दोस्तों जैसे ही हम सब जीमेल अकाउंट को डालते हैं, वैसे देखिए रिमूव यूट्यूब कंटेंट का ऑप्शन दे रहा है, तो यहाँ पे हमारा पूरी तरह से परमानेंटली एकदम डिलीट हो चुका है यूट्यूब। तो आप भी ऐसे डिलीट कर सकते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, आप भी इन सेटिंग को फॉलो करके अपना चैनल डिलीट कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।